समथिंग आज 4 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य है नीचे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा प्रश्न है उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है उत्तर है उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए दूसरा इस रूहानी सर्विस में लग जाओ तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए आप मुए मर गई दुनिया तब ऊंच पद मिल सकता है गीत है तुम्हें बाकी हमने जहां पा लिया है तुम्हें बाकी हमने जहां पा लिया है जमी तो जमी आसमां पा लिया है तुम्हें पाके हमने जहां ओम शांति मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं बच्चे भी समझते हैं अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं वह राज्य हमारा कोई छीन ना सके भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना मुसलमानों ने छीना अंग्रेजों ने छीना वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं हियर नो इविल सी नो इविल इनका भी कोई रहस्य होगा ना बाप समझाते हैं एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं दूसरी तरफ हो तुम बच्चे तुम भी पहले नहीं जानते थे बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म यही पहले पावन थे अब पतित बने हैं इनको मैं जानता हूँ अभी तुम और किसकी मत सुनो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ हाँ कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ पहली बात तो है पवित्र बनना है तभी बुद्धि में धारणा होगी यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद न आए न पत्र आदि लिखना है रहो भल कहाँ भी परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े अभी तुम भट्टी में पढ़कर फिर बाहर निकलते हो कोई तुम आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो माया फिर भागंती हो गए यह है बड़ी भारी मंजिल बाप का कहना नहीं मानते बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए आप मुए मर गई दुनिया तब ऊंच पद मिल सकता है तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नरसी नारायण बनने का कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए सिर्फ कहने की बात नहीं है मुंह की रख कम नहीं है नष्टो मोहा होना है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई हम तुम बाबा की शरण लेते हैं हम विष कभी नहीं देंगे तुम ईश्वर तरफ
आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। यह भी ऐसे है, माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा, जहाँ तक जिएंगे यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं, यह ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी ही माया को कहूंगा कि विकल्प ना लाओ, बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़े ही किस पर कृपा करूंगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है, कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वह निकल आएंगे। यह सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान उवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वह तो 84 जन्मों में आते हैं, अनेक मत अनेक बातें हैं। यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो, मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो, यह कौन है? यह स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे, अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमो प्रधान है, मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था, इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह बेटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं, जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे, और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है, और कोई राजाई है नहीं। यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है, वहाँ यह बातें ही नहीं। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ मामी कम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा यानी योग कराए, दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी
समझाना है यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। दो चार वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं, बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाप आए ही है पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्चे पर मार पड़ती है तो उनको बचाने लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते हैं, तुम तो सूप न खाओ। यह सब नाम इस समय के ही है। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी ना दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे, अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तुम राय देंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भूख भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास 15 जून 1968। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है दोनों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा, न बाप का न हमारा पाठ रहेगा, न उनका देने का पाठ न हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे ना, हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा। बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रालब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ। ड्रामा ही पूरा हुआ, फिर हम राज्य करने आएंगे। वह पाठ चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा। यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। न देने वाले के पास रहे, न लेने वाले में कमी रहे, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है। बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना, अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है। समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं।
आत्मा है तू छोटी ना, यह है कुदरत कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते, बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है। यह कुदरत है अंत नहीं पाया जा सकता, सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो, बाबा नॉलेज फुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे। पाने लिए कुछ रहेगा नहीं, बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं। वह है बिंदी, आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यह तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े, प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेंगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमोप्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी ही लगती है, जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन ना सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो, हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इन मेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग है, वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं, बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं, अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए
मुख्य सार है। पहला माया पहलवान बन सामने आएगी उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरा बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। वरदान है अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना संकल्प बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। स्लोगन है सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति।